हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन फंडा विद पू. मैं हूँ पूजा और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि अभी मार्केट में नया है बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो स्किन को इन्हांस करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपको देता है एक ब्राइट सा ग्लो. तो मैं बात कर रही हूँ कैसे स्टेप की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट हम हमेशा उसको स्किप कर देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, हमारी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि फर्दर डैमेज ना हो और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, डार्क स्पॉट्स फ्री बनाता है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप टू द वीडियो. तो मैं बात कर रही हूँ इस मैजिकल प्रोडक्ट की जो है सनस्क्रीन. तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको हम हमेशा स्किप कर देते हैं बट ऐसा कभी करना नहीं चाहिए. तो ये एक लिटिल एक्स्ट्रा ब्रांड से ये सनस्क्रीन है, यूवी ए और UVB से हमें ये प्रोटेक्ट करता है. SPF 50 PA++ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावर पैक इंग्रेडिएंट्स होते हैं. बात करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें 2% नाइसिनामाइड है, कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, ब्लैक आपको ब्लैक राइस इसमें मिल जाता है, वाइट मलबरी मिलता है जो कि हमारे स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं. और सबसे अच्छी बात मुझे इस सनस्क्रीन की लगती है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी हमें पिंपल हो जाता है, कभी किस चीज़ का मार्क आ जाता है, तो ये उन सारे स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है और आपको एक बहुत अच्छी स्किन देती है. बहुत ज़्यादा हैंडी है, जो आपके पर्स में, छोटे भी पर्स में इजिली फिट हो जाएगा. तो इसका टेक्सचर कुछ थोड़ा सा क्रीमी सा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ईजिली हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. जनरली हम जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है और मॉनसून में तो बहुत ज़्यादा ही चिपचिप होती है, बट इसको लगाने के बाद ना आपके स्किन में ये ऐसे अब्जॉर्ब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. अगर आप घर में हैं, आप कोई फाउंडेशन या फिर आप बीबी क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप ये अगर सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा लेते तो आपको बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगी और ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है. और इसका इफेक्ट ना एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है और आपको ना ऐसा लगेगा इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल फ्रेश फील होगा. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको अब अप्लाई करने वाली हूँ. तो ये ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है. इसका प्राइस 499 है बट आपको ये अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है. और अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आप इसको अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा. बहुत ही ज़्यादा सूदी इफेक्ट दे. इसको मैंने पूरे फेस पर अपने अप्लाई कर लिया है और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है फेस मेरा. इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो देता है. तो ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करके मुझे बताइएगा. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट बहुत ही प्यारे वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.